इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो दिस इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो बेटे, लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में पढ़ा था। वी केम टू नो व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल क्या है उसके आने से पहले एक बार हम लोग ब्रीफ में देखते हैं कि लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में पढ़ा हमने, या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हो, इलेक्ट्रो ज्यादा बेटर होगा, स्टैटिक फोर्स। ओके, सो व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास, वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड, है ना। ये दो बारे में, इन दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं से रिलेटेड थे, चाहे गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट हो, तो गॉस लॉ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी फील्ड से रिलेटेड है, है ना। फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा, फ्लक्स भी फील्ड से रिलेटेड है। आप फ्लक्स किसका कैलकुलेट करते हैं, यू ऑलवेज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ही गिव्स यू फ्लक्स। याद आ रहा है, ये सारी चीजें आपने पढ़ा है, उसको जरूर रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करो बेटा, जब तक आपको 100% याद ना हो जाए कॉन्सेप्ट, चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू रखिए। जब आप ऐसा काम करेंगे तो चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड था आपका फ्लक्स, और फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था आपका गॉसेस लॉ। तो जो भी आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, आपने जो भी पढ़ा है वो फोर्स, फील्ड, इन सब से रिलेटेड है। डायपोल के बारे में पढ़ा आपने, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन को जाना। तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपने लास्ट चैप्टर में रीड किया था, जो भी स्टडी किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये अगर मैं देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये कैसे क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि आपका पिछला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, जिसमें आपने फोर्स और फील्ड के बारे में स्टडी किया था, वो पूरी तरह से वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था, है ना, बिकॉज दे वर द वेक्टर क्वांटिटीज। अब आइए यहां आपके क्या पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इज अलग डिफरेंट टॉपिक, है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो यहां पर आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये जानेंगे, और आप क्या जानेंगे पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल के बारे में भी आप जानेंगे। ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, क्या इनके बीच में रिलेशन है, क्या इनके बीच में डिफरेंसेज है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो दो चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर है, कम ऑन टेल मी, बोलो बेटे। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है सर, या वेक्टर? हाँ, किसने बोला मेरा बेटा, सर अनु। अनु बेटा, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी हमेशा स्केलर होता है ना, एनर्जी जो है वो हमेशा स्केलर होता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, चाहे लाइट हो, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क, वर्क इज ऑल्सो स्केलर, वर्क और एनर्जी ये दोनों ही स्केलर हैं, समझ रहे हैं।
वर्क और एनर्जी ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होते हैं बेटा, याद रखिएगा। ओके, बोथ आर स्केलर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जानते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। ओके, ये पता है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद आ रहा हो, जैसे आप तो मैथ्स भी पढ़ते हैं, अनु आपका मैथ्स भी है ना बेटा? यस सर। हाँ तो मैथ्स है, तो मैथ्स में तो वेक्टर मैंने पढ़ाया है, तो उसमें तो आप किए थे ना? नो सर, उस टाइम नहीं ज्वाइन, मैथ वाला वेक्टर नहीं किए थे। चलो कोई नहीं, वैसे भी 11th में आपने वेक्टर पढ़ा होगा, है ना। तो अगर आपको उसका कुछ ध्यान हो तो वेक्टर में आपको जैसे कोई भी दो वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाता है? वो हो जाता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। तो वी डॉट वी करते हैं तो वी डॉट वी हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो यहाँ पर वी जो है, वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो दैट इज स्पीड, है ना। यहाँ पर ए डॉट ए जैसे ए स्क्वायर होता है, वी डॉट वी वी स्क्वायर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देख लो काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, डॉट प्रोडक्ट से आया, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का क्या डेफिनेशन होता है अभी हम लोग जानेंगे, वर्क एनर्जी पावर आपने पढ़ा होगा 11th में। सो आई एम गिविंग यू वन होमवर्क टूडे टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स क्लास, दोज हु आर स्टडिंग फिजिक्स, मैं सभी को एक होमवर्क दे रहा हूँ। एंड व्हाट इज योर होमवर्क बेटा? योर होमवर्क इज, योर होमवर्क इज कंप्लीटली कंप्लीटली रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर। वर्क एनर्जी एंड पावर नाम से एक 11th क्लास में आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को मेरे बच्चे अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझने की कोशिश करिए। कहीं डाउट हो तो आप मुझसे जरूर सवाल पूछ सकते हैं, ओके। क्योंकि इस चैप्टर का पूरा यूज होने वाला है आपका इस सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो जरूर इसको पढ़िएगा, ओके। प्लीज डोंट इग्नोर दिस इंस्ट्रक्शन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। इसके लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा ऑफकोर्स। और अगर मौका मिले तो वेक्टर भी लगे हाथ रिवाइज कर लेना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास आपका फिजिक्स का होगा दैट विल बी ऑन वेंसडे, सो बिफोर दैट यू हैव एनफ टाइम, यू हैव सफिशिएंट टाइम दैट यू कैन रिवाइज दिस चैप्टर ऑफ फिजिक्स, है ना। बिल्कुल इसको भूलना नहीं, आज के आज या कल तक पूरी तरह से रिवाइज कर लेना, और अगर वेक्टर भी साथ में रिवाइज कर लिया तब तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो वेक्टर एंड वर्क एनर्जी पावर ये दो चैप्टर आई एम अगेन इंसिस्टिंग, ओके, प्लीज प्लीज रिवाइज दीज टू चैप्टर्स, वर्क एनर्जी पावर एंड वेक्टर thoroughly, so that you will clearly understand whatever I will be teaching, है ना। नहीं तो बीच बीच में अटकते रहोगे, समझ में थोड़ा कम आएगा, है ना। अगर इनको आप रिवाइज कर लेंगे तो पूरा समझ में आएगा 100%। तो इसको करो, ओके बेटे। हाँ, आज आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे, आज मैं थोड़ा बहुत चीजें जो है रिलेट करके बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको कोई परेशानी इनको समझने में ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड नाउ। देखो मेरे बच्चों, तो हम लोग अब इसको पढ़ेंगे,
तो अब इस चैप्टर का शुरुआत ही जो हम लोग करेंगे, तो शुरुआत में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या बताया था, ये दोनों स्केलर्स हैं, दीज आर स्केलर्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ये दोनों क्या होते हैं, बोथ ऑफ देम आर स्केलर क्वांटिटी। ये बात क्लियर हुआ, बताइए, ये दोनों स्केलर होते हैं। yes, कि पोटेंशियल, हाँ बोलो, हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? नो सर। ओके, जब आप ये जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्यों ये स्केलर। वैसे तो मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया, काइनेटिक एनर्जी डॉट प्रोडक्ट आता है यहाँ, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, तो काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर, एनी एनर्जी इज स्केलर। वर्क डन, वर्क डन में क्या होता है, वर्क और एनर्जी दोनों जूल में होते हैं ना, वर्क और एनर्जी दोनों बेटा देखो दोनों ही जूल में होते हैं, तो दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। वर्क आपका क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, याद आ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से वर्क मिलता है, ये बात सबको पता है, बोलो याद आ रहा है? यस सर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट जहां भी आएगा वो स्केलर हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम है, क्योंकि उसका रिजल्ट स्केलर होता है ना। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि वर्क और एनर्जी ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, और आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश करिए, जरा देखिए क्या डिफरेंस है पहले और दूसरे चैप्टर में। पहले चैप्टर में आपने जितनी भी बातों को पढ़ा, चार्ज इज स्केलर, चार्ज को बुझाइए, चार्ज तो दोनों जगह आएगा, दैट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, उसके अलावा अगर हमने पढ़ा क्या, फोर्स के बारे में पढ़ा, फील्ड के बारे में पढ़ा, और फोर्स और फील्ड से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में पढ़ा है ना। फ्लक्स वाज स्केलर, याद करिए फ्लक्स जो है स्केलर है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जहां भी है तो स्केलर होता है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, याद आ रहा है, फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हमने डिस्कस किया था। तो जनरल हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, फोर्स और फील्ड का, तो ये दोनों ही वेक्टर थे। उसी तरह से यहाँ अब आप पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये दोनों ही स्केलर है, यानी कि इस चैप्टर में मोस्टली आप स्केलर से डील करेंगे। ऑब्वियसली फील्ड भी आएगा, फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आएगा जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन जो आप ज्यादा बात करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, एंड दीज टू थिंग्स आर स्केलर क्वांटिटी। तो चलो एक एक करके आप समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। So the first topic that I am tackling here, is the electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. ध्यान दीजिएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। मैं साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो ठीक है, उससे पहले इधर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं। व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो या किसी के कारण हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये समझो पहले, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने मन में सोच लीजिए जो भी आपको पता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स को आप क्लासिफाई करते थे ना, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। कंजर्वेटिव में आपका आता था ग्रेविटेशन आता था, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता था, स्प्रिंग फोर्स आता था, सो दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेज। फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, दीज आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। एयर रेसिस्टेंस हो गया, दीज आर द, या एयर ड्रैग, दीज आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, व्हिच इज डिसिपेटिव फोर्स, व्हिच कॉजेस द डिसिपेशन। डिसिपेशन मींस लॉस ऑफ एनर्जी, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता था।
तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या था? देखो स्प्रिंग में आपने पढ़ा होगा, स्प्रिंग के बारे में पढ़ा है ना, वर्क एनर्जी पावर में याद आ रहा है स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग मास सिस्टम ये सब पढ़ा है ना वर्क एनर्जी में 11th क्लास में। तो वहां पे आपने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्यों पढ़ा भाई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, फिर ग्रेविटेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां भी आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी याद आ रहा है, नाम सुना हुआ है, बताइए। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई ऐसा बच्चा जिसने नाम ना सुना हो? हाँ बोलो आयुष बेटा, आर यू देयर? यस सर। आपने स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है? यस सर। सुना है ना? अच्छा स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, सभी को पता है बेटा ये चीज? हाँ बताइए रितिका, आपको पता है? यस सर। पता है ना? ओके चलिए बहुत अच्छी बात। द्रोन डू यू नो दिस? यस सर। ओके तो सभी बच्चों को ये मालूम है कि फोर्सेस जो होते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इस तरह के फोर्स होते हैं, और स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अब बेटा स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, सो दिस इज नोन टू यू। तो आपने कहीं पे फ्रिक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी या विस्कस पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कुछ पढ़ा है किसी ने? बोलो कमॉन। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो पढ़ा है, पर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है विस्कोसिटी में? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्सेज के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं करते हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा दो चीजें, सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं और सिस्टम में किस फोर्स के लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। यानी कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल डेफिनेशन आएगा तो वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स से ही उसको रिलेट किया जाएगा। तो क्या डेफिनेशन है? देखो एक चीज और, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है ना? ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। तो नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में, वी कैन कैलकुलेट ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन कैलकुलेट ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन कैलकुलेट ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट वी कैन कैलकुलेट? वी कैन कैलकुलेट ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज का मतलब डेल्टा यू, डेल्टा यू को ही हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो मेरा बच्चा, डेल्टा यू का क्या मतलब है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फिर आपको देखो यहाँ, आपको यू फाइनल कितना है नहीं मालूम है, यू इनिशियल कितना है ये भी नहीं मालूम है, लेकिन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो होता है डेल्टा यू, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि कितने से चेंज हो गया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप सभी बच्चे यहाँ पर मेरे एकेडमी में लाइव आ करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना, डेस्क पे बैठ करके, बेंच पे बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, है ना। एक बच्चे को भूख लगी, उसने मुझे बोला सर मुझे भूख लगी है, मैं रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाना खाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। मैंने पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकाला, बच्चे को दिया। अब आप बताइए कि मैंने अगर पॉकेट से 100 रुपए का नोट दिया है, तो आप एक चीज तो जानते हैं कि मेरे पास पहले जितना भी पैसा था, मतलब मेरे पास जो भी मनी था, जो भी मनी था इनिशियली, जो भी मनी था मेरा मान लो एक्स था, और फाइनली मेरे पॉकेट में जो भी मनी होगा वो वाई है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, मनी फाइनल माइनस मनी इनिशियल विल बी इक्वल टू माइनस 100 रुपीज, होगा ना? होगा कि नहीं होगा?
बताओ। यस सर। मैंने 100 रुपए दे दिया है, मतलब मेरे पास 100 रुपए कम हो गए, यानी कि फाइनली मेरे पास 100 रुपए कम है, फाइनली मेरे पास 100 रुपए कम है, तो y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 100, यही ना हो जाएगा। पहले x था, मैंने 100 रुपीज दे दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 100 बचेगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 100 माइनस x, यानी कि x माइनस x कट गया, बचेगा क्या, माइनस 100 रुपीज बचेगा ना, बोलो। Yes. यानी कि मेरे पॉकेट से अगर मैंने 100 रुपए निकाल के बच्चे को खाने के लिए दिया, तो इसका मतलब है कि आपको इतना जरूर मालूम है कि मेरे पास जितना भी अमाउंट था, जितना भी मेरे पास मनी था, उसमें चेंज कितना हो गया। द चेंज इन द मनी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, याद रखिएगा, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली मेरे पास 100 रुपया कम है, तो 100 रुपया कम माइनस दिस, यानी कि माइनस 100 रुपीज का मेरे पॉकेट में चेंज हो गया। इनिशियली मेरे पास कितना था, यह कोई बता सकता है? Can anyone say that what was that initial total amount of money in my X. pocket? X. X. उसकी वैल्यू क्या थी? वो मुझे भी नहीं पता सर। मुझे नहीं पता, आपको, मतलब आपको नहीं पता, किसी भी बच्चे को नहीं पता है ना? तो इनिशियल आप नहीं बता सकते, फाइनली कितना है ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर इनिशियल पता होता तभी तो आप बोलते, मान लीजिए इनिशियली मेरे पास 1000 रुपीज होता, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 900 रुपीज हो जाएगा, है ना। अगर इनिशियली मेरे पास होता 10,000 रुपीज, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 9,900 रुपीज हो जाएगा बेटा। ओके, समझे, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं? यस सर। वो चीज है, तो मेरे पास कितना रुपया है इससे आपको कोई मतलब नहीं था। आपको खाना खाने के लिए 100 रुपए की थाली मिलती थी, तो आपने बोला मुझे भूख लगी है, तो आपको 100 रुपए से मतलब था। अब मेरे पॉकेट में 10,000 होगा तो मैं 1,000 रुपए तो नहीं दे दूंगा। अगर मेरे पॉकेट में 1 करोड़ होगा तो मैं खाना खाने के लिए आपको 1,00,000 रुपए तो नहीं दे दूंगा, है ना, सीधी सी बात है। तो आपको मतलब किससे था, आपको मतलब का 100 रुपए की थाली का जो कॉस्ट है उस 100 रुपीज से आपको मतलब था, एंड दैट वॉज योर इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? दैट वॉज योर इंटरेस्ट, सो यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द 100 रुपीज, उससे आपका काम चलना था। इनिशियली मेरे पॉकेट में कितना है, फाइनली कितना है, इससे कोई मतलब नहीं था। जो मैं चेंज कर रहा हूँ, या मान लीजिए आपको मैंने दिया, जितना भी दिया, मैंने 100 रुपए दिया, मैंने कहा पता है मेरे पॉकेट में कितना है, 1 करोड़ रुपए है, फिर आप गुस्सा करोगे, जब 1 करोड़ है तो सिर्फ 100 रुपए क्यों दिया, 1,000 रुपए दे देता, सब कोई पार्टी करते, है ना, क्यों? वही चीज है ना, कि आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है ओनली चेंज अमाउंट से, यानी कि मैंने दिया कितना है, है ना। भले मेरे पॉकेट में 1 करोड़ रुपए, मैं 1 रुपए भी आपको नहीं दूंगा तो फिर क्या फायदा, सीधी सी बात है ना, समझ रहे इस बात को? तो ओनली चेंज से मतलब, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में भी बेटा हमें चेंज से मतलब होता है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम से लेंगे या सिस्टम को देंगे। इज इट क्लियर? तो जितना एनर्जी आप रिसीव कर पाएंगे सिस्टम से, या सिस्टम को आप इंक्रीज कर पाएंगे एनर्जी, हमें मतलब उसी से होगा। सो वी आर ओनली, देखो एक तो हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत किसकी है, ध्यान से सुनना, हमें जरूरत है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है। और हम कैलकुलेट भी किसको कर सकते हैं, हम कैलकुलेट भी सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही कर सकते हैं। इनिशियली और फाइनली टोटल एनर्जी कितना होता है सिस्टम का, ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, है ना। कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट्स फाइन। हमें जो चाहिए था वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल फाइनल क्या है, उससे ना हमें मतलब है और ना उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ, ये डिस्कशन क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब मैं आपको डिफाइन कराता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में काम आएगा, वो क्या होता है। वो होता है, ध्यान दीजिएगा मेरा बेटा, सबको इधर ध्यान देना, दैट डेफिनेशन सेज द चेंज, द चेंज in
पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, हमेशा याद रखना डेल्टा बोलने का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू ध्यान रखना, मैं अब यही डेफिनेशन है मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज। है ना, तो जितने भी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहे होंगे सभी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, और जो टोटल वर्क डन आएगा कंजर्वेटिव फोर्स का से, बाकी का नहीं निकालने की जरूरत है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जितना भी वर्क डन आएगा उस टोटल वर्क डन का निगेटिव कर देंगे, तो वर्क डन का जो निगेटिव होगा वो क्या देगा, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी देगा। अब जरा सोचो अगर वर्क डन निगेटिव है, अगर वर्क डन निगेटिव है तो उसका निगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निगेटिव है, और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव है तो वर्क डन बाय द फोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव का निगेटिव निगेटिव होता है, और निगेटिव का निगेटिव निगेटिव का निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना, तो ये बात याद रखोगे तो देखो डेफिनेशन बड़ा छोटा सा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, निगेटिव ऑफ, किसके इक्वल होता है निगेटिव ऑफ, ध्यान रखना निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज, सो इट इज द निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना बेटा बस उतना ही डेफिनेशन है, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स क्या देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा, तो देयरफॉर यू कैन राइट डेल्टा यू। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्सेज। डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट में सी लगाने का क्या मतलब है कि डब्ल्यू इज द वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्सेज। स्मॉल चेंज की बात करेंगे, स्मॉल चेंज में आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल चेंज ऑफ एनर्जी दैट इज डी यू, डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी, सी सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, सी कुछ भी नहीं है, डी डब्ल्यू हुआ, वर्क डन क्या हो गया डी डब्ल्यू, सी बस ये बता रहा है कि वर्क किसके द्वारा हो रहा है, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के वर्क डन का निगेटिव होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कम ऑन नोट इट डाउन, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्लियर हुआ, वर्क कैसे निकलता है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज फाउंड, फॉर्मूला ऑफ वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता ही है, अब इसको भी याद कर लीजिए, कम ऑन नोट इट डाउन। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, उससे पहले ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसका वर्क डन निकालना सीखेंगे, अगर वर्क डन निकालना आ गया, इफ यू कैन फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जो भी वर्क आएगा उसका निगेटिव ले लेना, मान लो वर्क डन अगर 10 जूल आया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस 10 जूल, और अगर वर्क डन अगर माइनस 6 जूल आता है, वर्क अगर माइनस 6 जूल आता है माइनस 6 जूल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्लस 6 जूल। ये बात क्लियर है, बताइए
इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। चलो वेरी गुड, तो सबको ये क्लियर होना चाहिए। चलो लिखो, एक एक एग्जांपल ले लेकर हम लोग करेंगे, सब क्लियर होता जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल गेट क्लियर, है ना। मैंने जो बोला है उस बात को भूलिएगा नहीं। मैंने क्या बोला था, वर्क एनर्जी पावर और वेक्टर, ये दो चैप्टर आप जरूर रिवाइज कर लेना बिफोर वेंसडे क्लास, है ना बेटा। अगर आप इस चीजों को अच्छे से थॉरली रिवाइज कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिए, चाहे एससी वर्मा से रिवाइज कर लीजिए, किसी भी बुक से कर लो, कोई भी ढंग के बुक से कर लेना रिवाइज, है ना। तो देख लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा अभी है नहीं वर्क एनर्जी पे, अदरवाइज मैं वो प्रोवाइड कर देता लिंक। मैं इसी साल रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूं। कम ऑन डू दिस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, है ना? सर कुछ नहीं आ रहा सर स्क्रीन पे मेरा। क्या बेटा? सर स्क्रीन पे ब्लैंक आ रहा, कुछ नहीं। एक बार रीकनेक्ट करो, स्क्रीन सही हो जाएगा मुझे लगता है, है ना। नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा नेट भी ऑन ऑफ करके कर दो, नेट को ऑफ करके फिर ऑन कर लेना और फिर रीकनेक्ट कर दो, सही हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट। हाँ मनी, सब क्लियर है बेटा स्क्रीन? मनीष, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। ओके वेरी गुड। तो जब भी ऐसा हो मुझे एक बार इन्फॉर्म करके आप कनेक्ट कर लीजिए, पर इन्फॉर्म जरूर कर देना। कई बार होता है कि मैं मोबाइल की तरफ देख नहीं रहा होता हूँ तो मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जरूर बता दीजिएगा जब भी डिस्कनेक्ट करो। Just complete, finish your notes now. So note is complete. So I am going to move ahead now. देखो, तो ये definition याद कर लेना, है ना? ये चीज आपको याद होना चाहिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है, definition है, by definition ऐसा मानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यही होता है, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसका जो निगेटिव होगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के निगेटिव को ही हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिए हैं। ओके बेटे, तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का मेन कॉन्सेप्ट यही है, सारे क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, है ना। बाकी इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क वगैरह वगैरह, ये सब बस कहानी है, है ना। द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कहानी है ना। उससे कुछ नहीं मिलता, जो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा वो यही डेफिनेशन करेगा। देखो यहाँ से इक्वेशन आ रहा है ना,
डेल्टा यू इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इस इक्वेशन से आप एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। सो व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, ध्यान से समझना। ओके, मेन डेफिनेशन यही है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो बेटा, हर जगह डेफिनेशन यही आपका काम आता है। देखो, सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नाउ। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये हो गया मेरा बच्चा Q1 चार्ज, ये हो गया Q2 चार्ज, ये हो गया Q3 चार्ज, ये हो गया Q4 चार्ज, इस तरह से बहुत सारे चार्जेज है, है ना, बहुत सारे चार्जेज है, सब मिला करके कोई चार्ज है Qn, दिस इज Qn, n नंबर ऑफ चार्जेज आर देयर, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, इस तरह से चलकर there are n number of charges, let us say that there are n number of charges Qn तक है, है ना। अब क्या होगा, देखो इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, नोट में इस बात को लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज। ये बात आपको मैंने बताया, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। तो आपको ये बात जानना जरूरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप कह सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, सिंस, एक सेकंड बेटा, सर आवाज नहीं आ रहा। या सुनो, ध्यान दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव ऑफ, इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे नेचर का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, हेंस वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात सबको क्लियर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन तो वही था, हम डिफाइन कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताया है। अब जरा देखो, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लगता है चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो यानी कि जो सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, जो सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, उस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए मैंने क्या बताया था, सिस्टम के लिए हम एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, है ना। सिस्टम का एनर्जी होता है ना तेरा, ना मेरा, ना उसका, ना इसका, किसका एनर्जी होता है, सिस्टम का एनर्जी होता है, ना Q1 का, ना Q2 का, ना Q3 का, ना Q4 का, किसका होता है, चार्ज के इंटायर सिस्टम का एनर्जी होता है। जैसे मैं अगर दो चार्ज लेता हूं, दो में ही समझो, अगर मैंने Q1 लिया और Q2 चार्ज लिया, तो इन दोनों का जो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, तो Q1 का पोटेंशियल एनर्जी होगा या Q2 का होगा,
इंडिविजुअली किसी का नहीं होता, एनर्जी हमेशा Q1 और Q2 के इंट्रैक्शन के कारण क्रिएट होता है, इंट्रैक्शन के कारण। अकेला Q1 के कारण जो होगा वो सेल्फ एनर्जी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेल्फ एनर्जी। Q2 का भी सेल्फ एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पर Q1 और Q2 जब इंट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से इंट्रैक्ट करेंगे, जब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जब हम उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो एनर्जी में चेंजिंग आएगी, या जो एनर्जी उनका होगा क्या होगा, Q1 और Q2 यानी कि दोनों को मिला करके जो Q1 Q2 चार्ज का सिस्टम है, यानी कि दो पेयर ऑफ चार्ज का जो सिस्टम है उसका इनका एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। यहां देखेंगे तो कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, सो देयर आर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो इन n नंबर ऑफ चार्जेस का जो टोटल एनर्जी होगा, इंट्रैक्शन एनर्जी, दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमेशा हम सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, इंडिविजुअल चार्ज का नहीं होता है, ये बात समझ गए। तो देखो यहां पर भी हम लोग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, हेंस वी कैन डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये बात नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन सिखाऊंगा, और डेफिनेशन सिखाने के बाद फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा। ओके, सो कम ऑन, इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं आगे। आयुष, इज इट विजिबल नाउ? आयुष दिख रहा है बेटा? चलो जल्दी से ये नोट लिख लो, नोट लिखने के बाद मैं डेफिनेशन लिखाता हूं पोटेंशियल एनर्जी का। कम ऑन, डू इट क्विकली। Completed? Yes, sir. चलिए अब आगे देखिए, now we will define the electrostatic potential energy, definition of electrostatic potential energy for a system of charge. देखिएगा, I am writing the definition. The electrostatic ये गाना किसका बज रहा है बेटा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये सब तो कहानी लिख रहा हूं, ऑफ चार्ज। अब शुरू होगा डेफिनेशन, है ना? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज equal to the negative of work done by the electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव, है ना? तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का ही नेगेटिव हो गया, है ना? सेम बात है, इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हाइल
bringing the charges from infinity while bringing the charges from infinity to their respective positions in space. Positions in space. अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. किसके द्वारा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाइल ब्रिंगिंग द चार्जेज, ब्रिंगिंग द चार्जेज from infinity, कहां से ला रहे हैं? From infinity to their respective locations या positions in space, है ना? ये चीज आपको होता है. Infinity पे potential energy क्या मानते हैं? By reference, है ना? We take reference potential energy at infinity, the potential energy of charges at infinite separation is defined to be zero. Defined to be 0 जूल. कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं. इन्फिनिटी पे जब होते हैं चार्जेस तो उनका पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, है ना? ये भी बाय डेफिनेशन है या बाय रेफरेंस है, रेफरेंस मानते हैं. अगर आप वहां 0 नहीं मानेंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा. तो हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला में 0 लेकर के चलते हैं. कॉम्पिटिशन में कभी कभी आपको खुराफात करता है, बोल देगा इन्फिनिटी पे 10 जूल है तो यहाँ कितना है, तो फिर वही सोचेंगे अगर इन्फिनिटी पे 0 होगा तो यहाँ कितना होगा निकाल लेंगे. तो चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल माइनस इनिशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इनिशियल कुछ भी हो फाइनल कुछ भी हो, तो चेंज निकाल करके करते हैं. तो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को भी देखेंगे. पर फिलहाल अभी इसको आप जानिए कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हाइल ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस इन स्पेस. फिर आपने दूसरा बात क्या जाना? ये तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जाना कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज एट इंफिनिटी. कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना? एनर्जी ऑफ चार्जेज एट इंफिनिटी इज डिफाइंड टू बी 0. ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो, है ना? अब इन दो पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे? दो चार्ज का फॉर्मूला निकालेंगे. दो चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? व्हेन देयर इज आर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज. तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर फॉर्मूला डिराइव करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी का. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके उसके क्वेश्चंस देखेंगे. कम ऑन, डू इट. आयुष, आर यू देयर? आयुष? यस सर. अब दिख रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है. चलो ठीक है. तो बस वो कभी कभी कनेक्शन इशू हो तो रिकनेक्ट कर लीजिएगा, है ना? नेटवर्क स्लो होने के कारण हो सकता है कि नहीं ले पा रहा होगा एक बार में कनेक्शन, तो दोबारा कनेक्ट करके देखना, हो जाएगा. ठीक है सर. देखो यहां तक कुछ कुछ समझ में आया? बताओ, समझ में आ रहा है यहां तक? कुछ गया दिमाग में? बोलो, कम ऑन, डोंट हेजिटेट. होगा तो मैं पढ़ा दूंगा वर्क एनर्जी. बोलो बेटा. सर, आप जो बोले निगेटिव होता है, फिर जीरो कैसे आएगा? बेटा निगेटिव कहाँ होता है? निगेटिव, देखो, निगेटिव वो वर्क डन होता है.
अगर वर्क डन ही जीरो हो जाए तो जीरो का निगेटिव तो जीरो होगा। यस सर, समझे। और ये रिफरेंस, इसको क्या कहते हैं, रिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी। रिफरेंस मतलब हम कहीं पे जीरो मान लेते हैं, समझा। तो ये हम रिफरेंस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिफरेंस। इस पे हम चर्चा करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। बट इस पे चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर पढ़ लें। तो एक बार आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे आप सभी को ही। देखो पढ़ना पड़ेगा तभी चैप्टर क्लियर होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो बच्चे? ओके सर। ये जो है पोटेंशियल समझने के लिए वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, वो आएगा तभी ये चैप्टर क्लियर होगा। अदरवाइज मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूंगा ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, है ना। वर्क एनर्जी आना चाहिए, इसलिए मैं पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि आप लोग अभी, आज सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, चार दिन आपके पास है। वेंसडे को क्लास चलेगा, तो ओवरऑल 4 डेज आप लोग के पास है। इन 4 दिनों में वर्क एनर्जी पावर और वेक्टर, ये 2 चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर जाइए, है ना। वेक्टर में तो हमें बहुत ज्यादा नहीं है, जो फॉर्मूला लगेगा हम यहाँ पे देख लेंगे, उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप रिवाइज बस कर जाओगे तो काम चल जाएगा। लेकिन वर्क एनर्जी अगर आपने रिवाइज किया और आपको समझ में नहीं आया कुछ भी, है ना, देन इट इज माई टर्न कि मैं पहले वर्क एनर्जी पावर 2 से 3 क्लास आपको पढ़ाऊं, है ना, 2 क्लास पढ़ाऊंगा तब ये पढ़ पाओगे। अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा और आपको समझ में नहीं आएगा तो वैसा पढ़ाने का कोई फायदा तो है नहीं, है ना। तो बेटर ये होगा कि आप पहले वर्क एनर्जी पढ़ लीजिए सभी बच्चे, सीरियसली पढ़ना, है ना, एक एक वर्ड को सोच सोच के पढ़ना। अगर समझ में आ जाता है दैट्स वेल एंड फाइन, अदरवाइज मैं हूं उसके बाद, है ना, मेरे रहते आपको समझ में ना आए ये मैं नहीं होने दूंगा, है ना। तो वो चीज जो है आप जरूर कर लीजिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना एफर्ट लगाना जरूरी है, आप पहले खुद से ट्राई करो। अगर वर्क एनर्जी में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन आई एम देयर टू हेल्प यू पीपल, ओके। और वर्क एनर्जी समझा दूंगा तो ये चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मजा आ जाएगा इसमें, है ना। तो इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि प्लीज वर्क एनर्जी पावर चैप्टर और वेक्टर, ये 2 चैप्टर इन 4 दिनों में रिवाइज कर जाइए, है ना। थ्योरी तो कम से कम समझ जाओ, छोटे मोटे न्यूमेरिकल बना जाओ तो वो भी बहुत अच्छा होगा। चलो जरूर कर जाना बेटा। सो नोटेड डाउन, इज दिस पॉइंट नोटेड डाउन, नोट हो गया? यस सर, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर ये पॉइंट जो है, मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, एक काम करो कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है थोड़ा 2 मिनट में रिवाइज कर जाओ, है ना। तब तक मैं कुछ कुछ लिखता हूँ आपको, अभी आज मैंने जो पढ़ाया है उसको 2 मिनट में, 1-2 पेज आपने लिखा होगा उसको रिवाइज कर जाइए, क्योंकि उसका यूज होगा अभी। चलो जल्दी जल्दी से रिवाइज कर जाओ। वी आर गोइंग टू डू अ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला हियर, जिस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 हैविंग सेपरेशन R बिटवीन। देखो अब अगर एग्जाम में, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इतना लंबा नहीं लिखेगा, सीधे कह देगा डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज या 2 चार्जेज, बस इतना ही बोलेगा। हैविंग सेपरेशन आर या पॉइंट चार्ज, इतना वो दिमाग नहीं लगाते बोर्ड में, है ना।
वो डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं क्वेश्चन, तो जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वही चीज है, कोई अलग नहीं होगा वो, याद रखिएगा। तो हम लोग दो पॉइंट चार्ज लेंगे मेरा बेटा, देखना आप लोग, दो पॉइंट चार्ज। वन इज क्यू वन चार्ज, वन चार्ज इज क्यू वन, ओके, वन चार्ज वी आर टेकिंग क्यू वन चार्ज, ध्यान दीजिएगा क्यू वन चार्ज। अदर चार्ज वी आर टेकिंग क्यू टू चार्ज, देखना सभी कोई क्यू टू, ये हो गया क्यू टू चार्ज। तो दो चार्ज हमने ले लिया, क्यू वन ले लिया और क्यू टू ले लिया, देर आर टू चार्जेस दैट वी हैव टेकन, वन इज क्यू वन एंड अदर इज क्यू टू। और ये Q1 और Q2 जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो Q1 और Q2 चार्ज आपको दिख रहा है, इन चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज R, इनके बीच में R डिस्टेंस पे, यानी कि R डिस्टेंस पे एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, और ये दोनों चार्जेज क्या है, R डिस्टेंस पे ये दोनों चार्जेज आपको रखे हुए हैं, है ना। सो Q1 एंड Q2 चार्जेज आर केप्ट एट R सेपरेशन बिटवीन देम। अब हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम लोग अपने डेफिनेशन पे आते हैं कि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन क्या कहता था, डेफिनेशन कहता था द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, केयरफुल रहिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, क्या कहता था, इज इक्वल टू, अब यहां से शुरू होता है मेन पॉइंट, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, is equal to negative of work done by the electrostatic force while bringing the respective charges from infinity to their respective positions in space, ye kehta tha, yani ki agar maan lo ki q1 aur q2 ke beech mein infinite separation ho, hai na, isko main yahan le jaau kyunki ye infinity pe tha, pehle q2 kahan tha, q2 infinity pe tha, तो Q1 और Q2 के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा अगर इन्फिनिटी पे था, तो बताओ, अगर इन्फिनिटी पे होगा तो सेपरेशन कितना हो जाएगा बेटा, बोलो बेटा, जीरो सर, जीरो, सेपरेशन जीरो हो जाएगा बेटा, एनर्जी जीरो हो जाएगा, R प्लस इन्फिनिटी, R जो हो जाएगा वो नहीं, R इन्फिनिटी, R प्लस इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी में कुछ भी जीरो इन्फिनिटी होता है ना, ओके, जैसे समुद्र है ना, समुद्र ओशियन, पानी, अगर समुद्र में एक गिलास पानी डाल दोगे और पूछोगे कितना पानी है, तो समुद्र का पानी प्लस गिलास का पानी नहीं बोलेंगे, सब समुद्र का ही पानी होगा, है ना, अब वो अलग नहीं होगा, है ना, तो वही चीज है। तो इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज सेपरेशन, उसमें आर कितना भी जोड़ेंगे तो उसको इन्फिनिटी ही मानेंगे, समझाइए, ओके, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं सकते, तो इन्फिनिटी हुआ, इन्फिनिटी से कुछ घटाओगे या जोड़ोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, समझा बेटा। तो क्या हो जाएगा सेपरेशन, Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे एनर्जी क्या होता है, तो यहाँ इन्फिनिटी है, इनिशियली इनफाइनाइट पे है, तो U इनिशियल हो गया जीरो, अब यहाँ से हम इस Q2 को उठाकर इन्फिनिटी से यहाँ ला दे रहे हैं, है ना। तो क्या कहता था डेफिनेशन, क्या कहता था कि वेन ए चार्ज पार्टिकल, है ना, द पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहता था, द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हाइल ब्रिंगिंग द चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी, व्हाइल ब्रिंगिंग द चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन स्पेस। और रिस्पेक्टिव लोकेशन इस केस में क्या है, जरा देखो, रिस्पेक्टिव लोकेशन इस केस में क्या है कि Q1 और Q2 में R सेपरेशन है, क्या है रिस्पेक्टिव लोकेशन, कि दे आर एट आर सेपरेशन, यानी कि Q1 A पॉइंट पे हो गया, Q2 B पॉइंट पे हो गया, और उनके बीच में सेपरेशन कितना है, R है, तो ऐसा करने में कितना वर्क डन करना होगा, तो हम लोग बेस्ट लेते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, तो क्या होगा, हम किसी भी पाथ से लाए, हम मानते हैं कि यहां से इन्फिनिटी से हम चला करके ऐसे ला रहे हैं चार्ज को, देखो इस तरह से ला करके रख दिए, इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ ले आए, तो पहले जो है, पहले क्या होगा कि जब इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से धीरे 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 इधर लाएंगे, और धीरे धीरे लाएंगे, और हम कहाँ रख देंगे चार्ज को, आर सेपरेशन पे रख देंगे। तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि लेट, ध्यान से देखना,
किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंटीग्रेशन यूज होगा यहाँ, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो है, Q1 और Q2 के बीच में x सेपरेशन था। कितना सेपरेशन है मेरा बच्चा? x सेपरेशन है। अब हमने इसको फर्दर इधर dx से मूव करा दिया, फर्दर अगर इधर मूव करा दिया, फर्दर मूव करा दिया, किधर मूव करा दिया? इस तरफ मूव करा दिया। देखो मान लेते हैं कि बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, कुछ मान के चलेंगे तभी तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा। तो Q1 जो है Q2 पे फोर्स किधर लगाएगा बताओ? तो Q1 Q2 पे फोर्स किधर लगाएगा? इस तरफ लगाएगा या इधर लगाएगा बताना? मेरे हिसाब से बोलो, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड, वॉल की तरफ लगाएगा या इस तरफ लगाएगा? राइट, राइट हैंड साइड में लगाएगा, है ना? पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। तो फोर्स किधर लग जाएगा बेटे? फोर्स किधर लग जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा, फोर्स इधर लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका ब्लू वाला जो है, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का ये डायरेक्शन होगा। दिख रहा है? तो फोर्स तो लग रहा है इस तरफ और हम बॉडी को मूव किधर करा रहे हैं? बॉडी को मूव इधर करा रहे हैं dx से। तो dx डिस्प्लेसमेंट, क्यों dx क्यों लिया? क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। देख रहे हो फोर्स क्यों वेरिएबल है? फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स होता है आपका, फोर्स जो हो जाता है दैट इज के q1 q2 by r square, यही होता है ना फोर्स, k q1 q2 by r square होता है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? इंफिनिटी से उसको पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, पास लाते जाएंगे तो r कम होता जाएगा ना। तो r अगर कम होता गया, r अगर कम होगा तो फोर्स बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकलता है? इंटीग्रेशन से निकलता है ना। एफ डॉट डी आर का वर्क इंटीग्रेट करते हैं, याद करिए वर्क एनर्जी में ये सब पढ़े हो, इसलिए वर्क एनर्जी बहुत जरूरी है ना। आज आपको फीलिंग आ जाएगा कि वर्क एनर्जी कितना जरूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और यहाँ उसका पूरा यूज होगा। तो देखो अब आप देखो, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा वर्क निकालने के लिए। ये एंगल कितना है? व्हाट इज दिस एंगल? कम ऑन टेल मी, व्हाट इज द एंगल? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, dr डिस्प्लेसमेंट, दिस इज dr या dr डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एंगल है आपका कितना है? 180 डिग्री पे है ना। dr, dr का जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस dr, क्यों? क्योंकि घट रहा है। देखो माइनस dx कह लो, dr विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ dr विल बी माइनस dx। आपको मॉड पढ़ाया था ना कि मॉड ऑफ x क्या होता है? मॉड ऑफ x होता है माइनस x। कब? व्हेन, when x is negative, होता है ना। ध्यान से देखो, जैसे माइनस थ्री का मॉड लेंगे, माइनस थ्री का मॉड लेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस थ्री आएगा, यानी कि प्लस थ्री आएगा। तो प्लस थ्री को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ माइनस थ्री। तो x को अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू माइनस थ्री, ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूं कि x इक्वल टू माइनस थ्री होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर x इक्वल टू माइनस थ्री है तो x का मॉड क्या हो जाएगा? x का मॉड हो जाएगा आपका माइनस थ्री का मॉड। और किसी भी नंबर का मॉड लो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा यानी कि माइनस थ्री का मॉड क्या आएगा? प्लस थ्री। अब प्लस थ्री को आप कैसे लिख सकते हैं? प्लस थ्री को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस थ्री। अब माइनस थ्री क्या है? देखो बेटा माइनस थ्री एक्स है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो माइनस साइन का मतलब निगेटिव नहीं हुआ, यहाँ देखो माइनस एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि x क्या है? x है माइनस थ्री। तो अगर x आपका माइनस थ्री है तो माइनस x क्या हो जाएगा? प्लस थ्री हो जाएगा। तो बताओ माइनस x पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है ना। तो माइनस साइन देख के तपाक से आंसर मत देना ना कि भैया माइनस लगा है तो निगेटिव है, समझ गए? माइनस लगने से कोई निगेटिव नहीं हो जाता, समझ रहे हो, है ना। वही चीज है जैसे मूवी में विलेन का कपड़ा पहनने से कोई डाकू नहीं हो जाता और हीरो का कपड़ा पहनने से बहुत अच्छा इंसान नहीं हो जाता। हो सकता है कि मूवी में जो विलेन का रोल कर रहा है एक्चुअल लाइफ में वो बहुत शरीफ आदमी हो, और जो मूवी में डाकू का ये हीरो का रोल कर रहा है ना वो जो है बहुत ही बदमाश आदमी हो, गुंडा टाइप का आदमी हो, ये पॉसिबल है ना। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो निगेटिव कब होगा? निगेटिव कब होगा? मॉड कभी निगेटिव नहीं होता ना बेटा, हम मॉड की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे माइनस एक्स,
माइनस एक्स यहाँ क्या हो गया प्लस थ्री, क्यों हो गया क्योंकि एक्स माइनस थ्री था। हाँ आपको माइनस एक्स निगेटिव कब होगा, जैसे मान लो एक्स अगर आपका थ्री है तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, है ना। तो अगर पॉजिटिव, सुनो पॉजिटिव का निगेटिव लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव का माइनस, पॉजिटिव में माइनस लगाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, पर निगेटिव का निगेटिव लेने पे पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो माइनस एक्स पॉजिटिव है या निगेटिव है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि ध्यान से सुनना, यदि एक्स पॉजिटिव है तो माइनस एक्स बोलो पॉजिटिव है, एक्स अगर पॉजिटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा पॉजिटिव, सुन के बोलो एक्स पॉजिटिव है, एक्स इज पॉजिटिव तो माइनस एक्स क्या होगा निगेटिव, निगेटिव हाँ निगेटिव होगा। जैसे एक्स अगर थ्री है तो माइनस एक्स माइनस थ्री हो जाएगा ना, निगेटिव हो जाएगा। और अगर एक्स निगेटिव है, ध्यान से सुनना, एक्स अगर निगेटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो बस इतनी सी बात ही समझनी है। तो आइए, अगर आपको ये बात समझ में आता है तो मैं यहाँ पे बात करता हूं। देखो ध्यान देना, आगे की बात समझो। देखो मेरा बच्चा, फोर्स तो हो गया आपको के Q1 Q2 upon R square। तो जब आपका Q1, ध्यान से देखो, जब Q1 और Q2, Q1 और Q2 के बीच में x सेपरेशन है, कितना सेपरेशन है x, तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 upon x square। कोई डाउट इसमें, ये तो कूलम्स लॉ से आता है ना बेटा, बोलो yes, sir। फोर्स हो गया, और वर्क डन क्या हो जाएगा, सिंस वर्क डन, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन देखेंगे, वर्क डन बाय दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, EL for electrostatic force, electrostatic force है ना बेटा, okay, K Q1 Q2 by R square, so work done by electrostatic force in dr displacement, dr displacement में जो work done होगा That will be equal to, उसको नाम क्या देते हैं dw, small work की बात किए थे ना dw, तो this is the dw, dw c लिख सकते हैं क्योंकि electrostatic force is conservative force, तो conservative force का work done यहाँ क्या हो गया, work done तो सीधा होता है dot product of force और displacement, तो dr force हो गया आपका f और displacement हो गया dr, तो ये क्या हो जाएगा, this implies dwc, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे बच्चों, ab cos थीटा होता है ना, a डॉट b, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ dr इनटू cos थीटा, तो मेरा बच्चा cos थीटा, थीटा कितना है यहां देखो 180, फोर्स और इसके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, cos 180 आ जाएगा। अब जरा समझो इसको, ध्यान देना, पूरा नजर यहां रखो, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया k q1 q2 by x स्क्वायर, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया k q1 q2 डिवाइडेड by x स्क्वायर, है ना। अब देखो dr, dr का मैग्नीट्यूड मैं समझाता हूं, देखो पहले बॉडी कहां था, पहले बॉडी इतनी दूरी पे था, अब आपने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, यहां ले आए, तो अब सेपरेशन बढ़ा कि घटा, ये बताओ, जब मैं इसको यहां से यहां ला रहा हूं तो x बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, x अगर घट रहा है तो कोई चीज घटता है तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, निगेटिव, चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो घट गया तो फाइनल छोटा है और इनिशियल बड़ा है, देखो फाइनली लेंथ छोटा है और इनिशियली लेंथ बड़ा था, तो छोटा माइनस बड़ा निगेटिव होगा ना बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं dx लिखूं तो dx, dx का मतलब क्या हुआ, चेंज इन x, d का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, तो dx का मतलब हुआ चेंज इन x, तो आप इधर आ रहे हैं ना, ये dx डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ ना मेरा बच्चा,
तो अगर आप इधर आ रहे हैं तो x घट रहा है, और अगर x घट रहा है तो dx क्या होगा, निगेटिव होगा, dx निगेटिव होगा ना, तो dx निगेटिव होगा। तो मॉड अगर लेंगे, मॉड लेंगे dr का मॉड लेंगे, तो dr का मॉड dx आएगा या माइनस dx आएगा, बताओ जरा। dx सोच के बोलो, मॉड ले रहे हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, dx तो निगेटिव है, पॉजिटिव होगा ना बेटा, dx कैसे पॉजिटिव होगा, अभी आपने बताया ना कि ये रहा, अब ये घट गया, तो अगर घट गया तो चेंज, dx मींस चेंज इन x, dx का मतलब सुनो सबको, dx का मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, तो अगर x घट रहा है तो dx निगेटिव हो गया ना। यस सर, कोई चीज घटता है तो उसका चेंज निगेटिव होता है ना, बोलो। मान लो कि आपके पॉकेट में 1,00,000 रुपए था, 50,000 एक पॉकेट में, 50,000 दूसरे पॉकेट में, आप रोड पे जा रहे थे एकदम मस्ती में, और मैं आया और एक गन लेकर के मैं आया, मैंने बोला चलो पॉकेट से जितने पैसे निकाल के दे दो, तो आपने एक पॉकेट से 50,000 निकाला मुझे दिया, तब तक पुलिस आ गई, मैं भाग गया लेकर के, समझे। तो जो बताओ कि आपके पास जो बचा पैसा वो कितना बचा, 50,000 बचा, तो चेंज कितना हो गया, पहले था 1,00,000 बाद में 50,000, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो 50 माइनस 1 लाख, 50,000 माइनस 1 लाख, तो -50,000 का चेंज हुआ ना, घटने पे कम हो गया। यस बोलो। यस सर, कोई चीज घटता है तो उसका चेंज निगेटिव होता है ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो चेंज निगेटिव होता है, तो देखो हम इन्फिनिटी से इसको पास ला रहे हैं, तो x या r की वैल्यू घट रही है, तो जो dr का मैग्नीट्यूड होगा या dx होगा, तो dx तो निगेटिव है क्योंकि घट रहा है, तो dx निगेटिव है, तो dr का मैग्नीट्यूड dx नहीं होगा बल्कि माइनस dx होगा, ये बात समझ में आया। हाँ, अगर दूर ले जा रहे होते तो dr का मैग्नीट्यूड dx होता, पर पास ले जाने पे क्या होगा, dr का मैग्नीट्यूड माइनस dx, मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होगा, माइनस dx निगेटिव नहीं है बेटा, dx निगेटिव है, dx निगेटिव है, देयरफॉर माइनस dx पॉजिटिव है, यही तो मैं अभी समझा रहा था, याद करो, है ना, यही समझाया था ना मैंने, dx क्यों निगेटिव है ये पहले समझ में आया, dx क्यों निगेटिव है, dx का मतलब क्या हुआ, dx का मतलब हुआ वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल हो या वेरी लार्ज हो मतलब क्या है, चेंज इन x, और चेंज होता है हमेशा, सबसे पहले ये बात याद रख लो, चाहे कहीं भी पढ़ो, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का हर जगह मतलब होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, हर जगह आपका चेंज का मतलब, हिस्ट्री में भी चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो साइंस है बेटा, है ना, चेंज ऑलवेज मींस फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये देखो, इनिशियल यहाँ था, मैं यहाँ ले आया, तो यहाँ से यहाँ ले आया, तो फाइनली ज्यादा लेंथ है या इनिशियली ज्यादा लेंथ था, फाइनल समझते हैं, बाद वाले को फाइनल कहते हैं और पहले वाले को इनिशियल ज्यादा था, फाइनल कैसे ज्यादा है बेटा, बाद वाला फाइनल होता है और इनिशियल हो गया पहले वाला, है ना, तो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, पहले 2 मीटर पे था, अब हो गया 1.8 मीटर, तो बताओ फाइनल ज्यादा है कि इनिशियल ज्यादा है, फाइनल ज्यादा है, इनिशियल बेटा, इनिशियल ज्यादा है ना, पहले ज्यादा दूर था, अब पास आ गया, तो फाइनल ज्यादा है या इनिशियल ज्यादा है, इनिशियल सर, इनिशियल ज्यादा है ना, समझे, ओके, वो चीज है। मान लीजिए आप जो है ट्रेन से दिल्ली आ रहे हैं, तो अगर आपकी ट्रेन चली आपके घर से 1 घंटे बाद, आप दिल्ली से ज्यादा दूर होंगे या दिल्ली से पास होंगे, सिर्फ पास होंगे, पास होंगे ना, आप दिल्ली की ओर आने वाली ट्रेन में चढ़े हैं ना, तो वैसे पास होंगे, तो दिल्ली से आपकी दूरी फाइनली ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, 1 घंटे बाद कम दूरी होगी ना, तो फाइनली कम अगर होगी तो कम माइनस ज्यादा क्या होगा, कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कम में से ज्यादा, कम माइनस ज्यादा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सर नेगेटिव होगा,
तो पहले आप देखो, पहले दूरी ज्यादा थी, फिर पास आ गया तो दूरी कम हो गई, तो कम माइनस ज्यादा, फाइनल इज कम, इनिशियल इज ज्यादा, तो कम माइनस ज्यादा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो dx का मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो dx निगेटिव है ना। अरे भाई dx निगेटिव है ना, माइनस dx क्या होगा, अगर dx निगेटिव है, dx निगेटिव है तो माइनस dx क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस dx, प्लस dx नहीं हो जाएगा, माइनस dx, पॉजिटिव dx कैसे हो जाएगा बेटा, माइनस dx को आप प्लस dx कैसे लिख सकते हैं ये बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ माइनस dx क्या हो जाएगा, प्लस dx कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। yes, मैं अगर पूछूंगा माइनस थ्री क्या होगा, तो क्या माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, नहीं 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 ना, माइनस थ्री निगेटिव होगा, प्लस थ्री तो नहीं हो जाएगा। उसी तरह से माइनस dx यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि dx निगेटिव है, और निगेटिव में निगेटिव मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मॉड हमेशा हम क्या लेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पॉजिटिव लेते हैं, तो dr का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, dr का मैग्नीट्यूड आएगा माइनस dx, क्या आएगा। तो इस माइनस का मतलब ये मत समझ लेना कि ये निगेटिव है, माइनस dx पॉजिटिव है बेटा, क्योंकि dx निगेटिव है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर ये चीज लिख लीजिए, dr का जो मैग्नीट्यूड है that is equal to minus dx and this is greater than zero, this is greater than zero, है ना, क्यों, क्योंकि since dx is less than zero, ये बात आपको दिख रहा है, ये मैंने डिस्कस कर लिया बेटा, है ना, तो इसको जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। और cos 180 क्या होता है मेरा बच्चा, cos 180 होता है माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइड dwc क्या हो जाएगा, dwc हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, r नहीं अब x कर दो, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इनटू क्या आ गया dx, है ना, इनटू आ गया dx। अच्छा मैं अभी आप लोग को एक बार और यहाँ पे जो है आप लोग के दिमाग को पजल करूंगा, ध्यान से सोच के जवाब देना मेरा बच्चा लोग, ध्यान से dwc क्या लिखा है, वर्क डन देखो क्या लिखा है, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ये वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कम ऑन टेल मी, dw पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव, सोच समझ के जवाब दीजिए, और एक्सप्लेनेशन भी देना होगा कैसे पॉजिटिव है, बताओ सोच के जवाब दो बेटा, dw है क्या मेरा बेटा, पहले ये तो देख लो, है ना, इसीलिए कहा है वर्क एनर्जी पावर पढ़ना पड़ेगा, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया, और इनटू क्या है dx, तो बताओ जरा देख के बताओ कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है या निगेटिव है, बोलो देख करके, सर पॉजिटिव है क्योंकि माइनस dx इनटू माइनस वन तो पॉजिटिव ही ना आ जाएगा बेटा, माइनस dx इनटू माइनस वन उसको छोड़ो, माइनस dx पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये बोलो, माइनस dx पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव, अभी डिस्कस किया ना माइनस dx पॉजिटिव है क्योंकि dx निगेटिव है, माइनस dx निगेटिव नहीं ना, यहां बेटा ध्यान से देखो, माइनस का मतलब निगेटिव नहीं होता, ये बताओ माइनस ऑफ माइनस थ्री पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, माइनस लगने का मतलब निगेटिव तो नहीं होता है, माइनस का मतलब कभी निगेटिव नहीं होता है, याद रखो माइनस किसके साथ लगा है ये देखना जरूरी है, समझा, माइनस किसके साथ लगा है, अगर माइनस साइन पॉजिटिव के साथ लगा होगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में निगेटिव लगाओगे तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर माइनस साइन निगेटिव के साथ लगा होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बेटा बचपन में पढ़ते हैं ना, याद करो बचपन की कहानी याद करो, टीचर रटाते थे 6-7 क्लास में, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव,
पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव एंड निगेटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है बताओ याद है किस क्लास में पढ़ा है बोलो फोर्थ फोर्थ में कोई फोर्थ बोलेगा कोई फिफ्थ बोलेगा ऑब्वियसली फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इसी समय पढ़ा होगा है ना तो देख लो कितनी पहले की बात है अभी भी यूज हो रहा है और उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो छोटी छोटी चीजें हैं उसको ध्यान रखना है तो यहाँ पे dx पहले मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ dx देख लो पॉजिटिव है कि निगेटिव है मैं बात कर रहा हूँ dx का dx पॉजिटिव है कि निगेटिव है पहले इस फिगर को देखो यहाँ इसको देख करके बताओ इस सिचुएशन में dx पॉजिटिव है कि निगेटिव है नेगेटिव है सबको ही देखो बताओ कम ऑन आयुष सर नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है dx नेगेटिव है यस सर क्यों नेगेटिव है क्यों x कम हो रहा है घट रहा है डिस्टेंस चेंज हो रहा है सर है ना चेंज होगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा बढ़ेगा तो नीचे बेटा इंफिनिटी से q2 के पास आ रहा है पास आ रहा है तो घट रहा है ना चेंज होने से चीज नेगेटिव नहीं हो जाती है चेंज तो परिवर्तन का नियम है पूरा सृष्टि का अब ये बोलो ना आपकी उम्र चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है इज योर एज चेंजिंग और नॉट तो अगर आपका एज है अगर एज को मैं आपके एज को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं तो डेल्टा एक्स या डीएक्स पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा बोलो आपका एज में जो चेंज होगा चेंज पॉजिटिव होगा पहले ये बताओ चेंज समझ में आता है बताइए आयुष चेंज किसको कहते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल मैंने बोला है ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज कोई कितना भी आपको कंफ्यूज करे है ना कितना भी लालच दे नहीं इसके अलावा कुछ और याद कर लो चेंज के लिए मत याद करना चेंज का हमेशा मतलब होता है बोलना मेरे आरके सर ने कहा है फाइनल माइनस इनिशियल के अलावा और कोई मीनिंग नहीं होता है चेंज का है ना तो फाइनल माइनस इनिशियल तो आपकी उम्र अगर फाइनल देखेंगे छह महीने के बाद आपकी उम्र ज्यादा होगी कि कम होगी ज्यादा होगी ज्यादा होगी ना तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव तो आपने अभी क्या बताया था कि सर चेंज है इसीलिए नेगेटिव है चेंज नेगेटिव नहीं होता है चेंज तो कुछ भी हो सकता है अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट है अगर मान लो एक्स इक्वल टू टू है अगर एक्स इक्वल टू टू है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बोलो अगर x इक्वल टू टू है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा बेटा x कांस्टेंट हो गया ना कांस्टेंट में चेंजिंग क्या होती है जीरो जीरो जो चीज कांस्टेंट है उसका चेंज क्या होगा कुछ नहीं होगा उसमें चेंज तो अगर x इक्वल टू टू है यानी कि कांस्टेंट है वो बदल नहीं रहा है तो उसमें चेंज जीरो भी हो सकता है हो सकता है चेंज जीरो नहीं हो सकता मान लीजिए मेरे पॉकेट में 500 रुपया रखा हुआ है कल आया कल भी 500 रुपया रखा हुआ है आज भी 500 रुपया रखा हुआ है कल से आज तक में मेरे पॉकेट में कितना चेंजिंग हुआ जीरो जीरो चेंज हुआ कल 500 था आज 300 रखा हुआ है तो कितना चेंज हो गया 200 माइनस 200 यस सर माइनस चेंजिंग फाइनल माइनस इनिशियल मैं इसी चीज पे बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ 200 नहीं माइनस 200 फाइनली कितना है 300 इनिशियली कितना था 500 तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 300 माइनस 500 दैट इज माइनस 200 है ना कल अगर 500 था आज 800 है तो चेंज कितना हुआ 300 तो बेटा चेंज कभी नेगेटिव नहीं होता चेंज कभी पॉजिटिव नहीं होता चेंज जीरो नहीं होता वो डिपेंड करता कि इनिशियल क्या था फाइनल क्या था ठीक है तो यहां आप देखो यहां क्या हो रहा है जो पार्टिकल है वो इन्फिनिटी से इधर आ रहा है तो जो एक्स की वैल्यू है वो घट रही है या बढ़ रही है घट रही है सर डिस्टेंस घट रहा है ना तो घट रहा है तो जो चीज घट रहा होता है उसका चेंज क्या होगा पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव घटने वाली की चेंज का घटने वाली चीजों का चेंज निगेटिव होगा तो डीएक्स यहाँ निगेटिव है ना बेटा अगर डीएक्स निगेटिव है अब डी डब्ल्यू को क्या है के पॉजिटिव है
q1 पॉजिटिव है, q2 पॉजिटिव है, x2 पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव इनटू dx, dx नेगेटिव है, तो वर्क डन क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव हुआ ना, यस सर, है ना। और ऐसे भी देखो फोर्स किधर लग रहा है, ब्लू वाला वेक्टर किधर है, फोर्स इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन तो नेगेटिव होना ही चाहिए था, है ना? यस सर, यस सर, वर्क डन तो नेगेटिव होना ही चाहिए था, तो नेगेटिव आ रहा है। आप कहोगे सर नेगेटिव है पर माइनस साइन नहीं है, क्या नेगेटिव होने के लिए माइनस साइन होना जरूरी है? माइनस साइन होना जरूरी है, यहाँ माइनस साइन है तो क्या dx नेगेटिव होगी? माइनस dx नेगेटिव हो गया, माइनस dx पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि dx नेगेटिव है, दिख रहा है? ओके, माइनस किसके साथ लगा हुआ है वो जरूरी है ना। जैसे माइनस ऑफ माइनस 3 आपका नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ हाँ हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। ओके ठीक है, एक्चुअली द इलेक्ट्रिसिटी कट, पावर कट हो गया था, तो इन्वर्टर वाज एक्चुअली ऑफ, सो आई जस्ट स्विच्ड ऑन इट। ओके लुक हियर, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि dW नेगेटिव है ना, होना भी चाहिए था क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट इधर है 180 डिग्री पे। तो यहां तक आप समझ गए बातों को, चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लो। ये पूरा ये बाद में, ये लास्ट में करना है, यहां तक, यहां के बाद कहां आ जाओगे, डायग्राम के बाद इधर आ जाओगे, ऊपर से नोट करोगे, यहां से नोट करोगे, यहां के बाद लास्ट में, इसके बाद ये नोट करोगे, है ना, यहां के बाद क्या है ना ये, तो ये चीज लास्ट में नोट करोगे, यहां के बाद यहां नोट करोगे। चलो करो इसको, जल्दी से करो बेटा। सर हाँ बोलो बेटे। अच्छा हमें लग, हाँ मैं हूँ, बताओ हो गया, कंप्लीट हो गया? यस सर हो गया सर। चलिए बहुत अच्छा, मैं आगे बस दो मिनट में ये खत्म हो जाएगा डेरिवेशन, यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, वर्क एनर्जी जरूर कीजिएगा, नहीं तो फंसते रहोगे, है ना।
तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है, माइनस थ्री नोट नहीं करना है, दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो अब हमें टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है इन्फिनिटी से आर, पहले जो था कहाँ था बॉडी ए और बी के बीच में, क्यू वन और क्यू टू के बीच में सेपरेशन इनिशियली क्या था, इन्फिनिटी था, और फाइनली सेपरेशन क्या है, जब हम इन्फिनिटी से ला करके रिस्पेक्टिव पोजिशन पे ए और बी पे रख देंगे तो उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, आर। तो देयरफोर The total work done by the conservative force will be equal to integration of dwc. इसमें क्या आ जाएगा? K, Q1, Q2. ये तो constant है, बाहर आ जाएगा integration of dx by x square. Integration of dx by x square. कहाँ से कहाँ? Infinity. Initial limit will be infinity. In the final limit will be r. तो इन्फिनिटी से आर जो है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, इन्फिनिटी से आर इंटीग्रेट करेंगे, किसका इंटीग्रेशन है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हो ना, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आपको पता है कि सिंस यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप और बढ़ा दें, डब्ल्यू सी विल बी इक्वल टू के, डब्ल्यू सी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स टू डी पावर माइनस टू डी एक्स इंफिनिटी टू आर, इज दिस पॉइंट क्लियर। अब जरा देखना, इंफिनिटी से आर हो गया ना बेटा, तो इंफिनिटी से आर हो गया तो क्या होगा, अगर इन्फिनिटी से आर कर रहे हैं, यहाँ पे पहले देखो ये कैसा है, x टू दी पावर n जैसा है, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन कौन बताएगा मुझे, कम ऑन टेल मी, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, n into x की पावर n माइनस वन, बेटा वो डिफरेंशिएशन होता है मेरा बच्चा, है ना, d dx ऑफ x टू दी पावर n होता है n into x टू दी पावर n माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन बताओ, x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, हाँ x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये होता है, याद रखना, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा x टू दी पावर n, करके देख लेना, है ना, ये डिफरेंशिएशन होता है मेरा बेटा, ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब मुझे आप लोग बताइए यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कमॉन कौन बताएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन का अलग है, बताओ n की वैल्यू, माइनस टू, माइनस टू, वेरी गुड, तो यहाँ पे n की वैल्यू है माइनस टू, है ना, यहाँ ये फॉर्मूला किसके लिए नहीं वैलिड होता, देखो अगर n को माइनस वन रख दे तो जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर n इज नॉट इक्वल टू, इस फॉर्मूले में याद रखिएगा, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन नहीं हो सकता, तो माइनस वन तो है भी नहीं, माइनस टू है, तो बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं, n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन कह रहा है, बट यहाँ तो माइनस टू लिया है हमने, तो माइनस टू हमने नहीं लिया है बल्कि फॉर्मूला में आ रहा है, हम क्यों लेंगे, जो आएगा वही तो रखेंगे, तो x माइनस टू है, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टू, तो यहाँ पे देयरफोर हमारा जो वर्क डन हो जाएगा, therefore वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k q1 q2 by, है ना, by इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस वन, n की जगह माइनस टू है, तो माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, दैट इज माइनस टू प्लस वन, एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम इंफिनिटी टू r, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, k q1 q2, ध्यान दीजिएगा, माइनस टू प्लस वन, यानी x टू दी पावर माइनस वन और यहाँ माइनस वन हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस वन बाई x का पावर माइनस वन आएगा ना, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन क्या हो गया, माइनस वन, तो x का पावर माइनस वन क्या लिख दोगे, वन बाई एक्स, और नीचे भी एक माइनस आ रहा है, माइनस टू प्लस वन, तो माइनस आ गया, माइनस वन बाई एक्स,
इन्फिनिटी टू आर, ध्यान से देखना, माइनस वन बाई एक्स इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अब लिमिट रख दो, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू, अपर लिमिट क्या है, आर है, तो माइनस वन बाई आर माइनस माइनस वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या आ जाएगा ध्यान से देखना, तो अब यहाँ के बाद फाइनली जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा मैं उसको लिख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज देयरफॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा देखना, यहाँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा के क्यू वन, क्या आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, और एक माइनस साइन भी आएगा, तो माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर आ गया वर्क डन, है ना, ये वन बाई इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया, एंड सिंस अब हम चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, सिंस डेल्टा यू, बताओ बेटा डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स, देयरफॉर डेल्टा यू हो गया आपका, डेल्टा यू हो गया आपका कितना हो गया, डेल्टा यू हो गया निगेटिव, इसका निगेटिव वर्क डन का निगेटिव, ध्यान से देखना क्या आएगा, वर्क डन का निगेटिव आएगा, तो वर्क डन का निगेटिव कैसे आएगा, है ना, यहाँ देखो माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर है, तो बाई डेफिनेशन आपने शुरू में क्या पढ़ा, डेल्टा यू इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका निगेटिव करो क्या आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, क्या आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये फॉर्मूला आपको डेल्टा यू का आ गया। अभी थोड़ा सा और बचा है, देख लो इसको, हमने डेल्टा यू को लिखा के क्यू वन क्यू टू बाई आर, डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कहाँ है, फाइनल कितने सेपरेशन पे था, आर सेपरेशन पे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन वाज आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द सेपरेशन वाज इनफिनिटी, दिस इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, लिख सकते हैं, और यू इनफिनिटी को क्या लेते हैं रिफरेंस, तो जीरो, सिंस रिफरेंस इज टेकन एट इनफिनिटी, रिफरेंस इज taken at infinity, therefore u infinity क्या हो जाएगा, reference पे हम energy कितना मानते हैं, zero, तो u infinity को हम zero रख देंगे, और जैसे ही हम u infinity को zero रखेंगे तो हमारा formula क्या आ जाएगा, हमारा formula मैं last में सबसे ऊपर लिख देता हूँ, therefore potential energy at r separation will be equal to, है ना, आर सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन की तरह कह सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेज व्हेन देयर इज आर सेपरेशन बिटवीन देम, तो यहाँ के बाद फाइनली यहाँ के बाद लास्ट में ये फॉर्मूला लिख लो, समझाइए डेरिवेशन, कम ऑन डू इट, कंप्लीट करो बेटा, कंप्लीट करो इसको, आज यहीं तक रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, अगले क्लास में इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, ओके तो आपको आज फीलिंग आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर के लिए वर्क एनर्जी पावर और वेक्टर का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, है ना, वो भी जरूरी है, तो देखो तो वर्क एनर्जी पावर और वेक्टर, ये दो चीज आप इस चार दिन में रिवाइज करेंगे, और जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है ऑफ कोर्स इसको भी रिलेट करना उससे, लेकिन अगर चैप्टर समझने में कोई दिक्कत होगी देन आई विल टीच यू वर्क एनर्जी पावर, ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ा दूंगा ताकि ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए, यदि आपको दिक्कत होगी तो, अगर बेसिक लेवल पे भी वर्क एनर्जी आपको समझ में आ जाएगा तो ये काम बन जाएगा आपका,
समझे? तो जो मैंने कहा है उस बात को ध्यान रखना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज प्रॉपरली, प्रॉपर रिविजन ऑफ वर्क एनर्जी पावर चैप्टर एंड वेक्टर चैप्टर, है ना? सबको ये बात दिमाग में आया, ये डेरिवेशन कुछ समझ में आया? Yes, हाँ, देखो ग्रेविटेशन में क्या होता था, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, यहाँ होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है, एक जैसा ही फॉर्मूला है। तो चलो पहले ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में, बोर्ड में भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आता है, तो ये डेरिवेशन और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ना, ढेरों क्वेश्चन इस पे हम लोग कर सकते हैं। तो वी विल सी द क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, प्लीज कंप्लीट दिस डेरिवेशन टूडे, है ना, यहाँ तक करिए, यहाँ के बाद इसको करिए। यू इन्फिनिटी जीरो लेते हैं क्योंकि रिफरेंस मानते हैं, रिफरेंस पे एनर्जी हम जीरो मानते हैं, तो आर्क सेपरेशन पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। याद रखो आर्क सेपरेशन पे एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं है, टेकिंग रिफरेंस एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जीरो मानने के कारण ये आया है ना, अदरवाइज हम ये नहीं बोल सकते थे। इन्फिनिटी को अगर जीरो नहीं लेंगे तो यहाँ पे यू आर क्या हो जाएगा, यू आर हो जाएगा ये इन्फिनिटी वाला इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस यू इन्फिनिटी, के क्यू वन क्यू टू बाई आर प्लस यू इन्फिनिटी, दिख रहा है? तो ये चीज याद रखिएगा, लेकिन हमने यू इन्फिनिटी को जीरो मान लिया है, इसीलिए यू आर क्या आ गया है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर आ गया है। गॉट दिस पॉइंट? तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ, आप लोग अपना नोट कंप्लीट कर लीजिए, ओके बेटे।